तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साउथ की चार बड़ी फिल्में संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई थी, कौन सी मूवी इस त्यौहार में कामयाब रही और कौन सी फेल रही, इसके बारे में ये चर्चा रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले बात करेंगे तमिल मूवीज की। थुनो और वारिसु दोनों एक ही दिन रिलीज हुई और बहुत ज्यादा स्टारडम है दोनों भी एक्टर्स का, अजित कुमार और थलापति विजय का। और इन दोनों भी फिल्मों को क्लैश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर सेपरेट सेपरेट दिन ये फिल्में रिलीज होती तो बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन होता। बात करें तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अजित कुमार की थुनो वारिसु से आगे चल रही है, लेकिन बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो वारिसु मूवी थुनो मूवी से आगे चल रही है। अगर बॉक्स ऑफिस नंबर की बात की जाए तो वारिसु मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 दिन के बाद 110 करोड़ का है वर्ल्ड वाइड, और बात करें थुनो मूवी का तो 90 करोड़ है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 दिन का। जैसे तमिलनाडु में दो फिल्में एक ही फेस्टिवल पर आई, वैसे ही तेलुगु स्टेट्स में भी दो फिल्में एक ही फेस्टिवल पर रिलीज हुए, जिसमें नंदमुरी बालाकृष्ण की वीर सिम्हा रेड्डी और वाल्टर वीरया चिरंजीवी की। अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, वीर सिम्हा रेड्डी का 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 75 करोड़ का है वर्ल्ड वाइडली, और वाल्टर वीरया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की तो 67 करोड़। नंदमुरु बालाकृष्ण के लिए वीर सिम्हा रेड्डी फर्स्ट डे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी है। और इन सब मूवी में अगर बात की जाए बॉलीवुड मूवी कुत्ते की, तो उस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले दिन का 1 करोड़ निकल के आया है। और बात करें वारिसु मूवी की तो 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वारिसु मूवी का हिंदी का तो 3.5 करोड़ का हुआ है। अगर ये चारों मूवीज के रिलीज डेट में अगर एक वीक का फर्क होता तो ये बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाते। अभी भी धमाल मचा रही है, लेकिन क्लैश की वजह से कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस नंबरों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है।